आज किस वीडियो में दोस्तों बात करने वाली है कि आप लोग YouTube चैनल पे अपने सोशल मीडिया लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया लिंक रहता है और उनके पोस्ट पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको सोशल मीडिया लिंक दिखता है। तो Instagram का, Twitter का कैसे लिंक वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, कैसे प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, हर जगह कैसे ऐड कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहे, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है अगर आप लोग यूट्यूबर हैं तो। क्रोम ब्राउजर ओपन करके अपने चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद उसको सिंपली से यहाँ से अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद उसको कस्टमाइज और चैनल का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ से आपको लेआउट दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से दूसरा ऑप्शन दिख जाएगा ब्रांडिंग, आपको बेसिक इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से आपका सारा यहाँ पे दिख जाएगा, कहाँ कहाँ आपका यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो भी सोशल मीडिया का लिंक आपको यहाँ पे ऐड करना है उसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने पहले से ऐड किया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब का है, यहाँ पे इंस्टाग्राम का है, उसके बाद यहाँ से ट्विटर का है, उसके बाद यहाँ से फेसबुक का है। तो आप लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ से ऐड लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने तो सिंपली से मैं अपना यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डिलीट करके और लगा के देखा, तो सिंपली से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ से सिंपली से ऐड का ऑप्शन दे, तो यहाँ पे सिंपली से आपको यहाँ से जो भी लिंक ऐड करेंगे उसका नाम लिख देगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख दिया। उसके बाद यहाँ से सिंपली से उसका URL आपको यहाँ पे कॉपी, मतलब इंस्टाग्राम का URL आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो इंस्टाग्राम का URL पेस्ट करने के लिए तो सिंपली से यहाँ पे हम लोग चलेंगे अपने फेसबुक में। अगर आप लोग फेसबुक में आप लोग अपने इंस्टाग्राम को लिंक करें तो आप लोग हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लिंक नहीं किए तो आप लोग वहाँ पे क्रोम ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके वहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिंक किया हूँ, तो मैं अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर चल जाऊँगा। प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर आने के बाद उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे लिंक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से उसके बाद एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से रिमूव, उसके बाद यहाँ से इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ से इंस्टाग्राम का यहाँ पर आप लोग देखते हैं, मेरा यहाँ पर दिख रहा है इंस्टाग्राम लिंक, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग इस पर चलते हैं, उसके बाद यहाँ से अपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बदले में पोस्ट करने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट हो गया है। उसके बाद और भी लिंक यहाँ पे ऐड करना चाहे तो सिंपली से और भी लिंक यहाँ पे फेसबुक हो गया, इसी तरीके से सारा लिंक आप लोग ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसी तरीके से आप लोग सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं YouTube का करना चाह रहा हूँ, तो YouTube वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसका भी मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। YouTube वाले इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे YouTube का चैनल मेरा दिख रहा है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर से हम लोग अपने चैनल पर आ जाएंगे। चैनल पर आने के बाद सिंपली से हम लोग YouTube का जो ऑप्शन दिख रहा है YouTube वाला, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे, तो इस पर क्लिक कर लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ऐड लिंक, यहाँ पे ऐड लिंक का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी लिंक आप ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से ऐड लिंक वाले ऑप्शन क्लिक करके आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद URL डालने के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे, वह URL कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये हो गया। उसके बाद सिंपली सब कुछ करने के बाद उसके बाद यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन देगा, तो पब्लिश वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका लिंक ऐड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गो टू चैनल इन टू दे। उसके बाद ये आपका लिंक ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ से अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका लिंक शो हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, उसके बाद यहाँ से इंस्टाग्राम, उसके बाद यूट्यूब सबसे नीचे आ गया, सबसे ऊपर था सबसे नीचे आ गया, तो यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद यहाँ यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, उसके बाद यहाँ से ट्विटर, फेसबुक और उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा है। तरीके से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया लिंक ऐड कर सकते हैं।
ऐड सर्च में, प्रोफाइल में, उसके बाद अबाउट में, हर जगह इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसके पास पहुँच जाए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं ओनली, उनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को बेल आइकन क्लिक करके ऑल वाले सेक्शन क्लिक करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को वॉच कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।